अस्सलाम वालेकुम जी, वैरायटी की अपनी शॉप के हवाले से बताएं कि आजकल क्या इन है, कौन सा फैशन ज़्यादा आजकल मार्केट में होता है? वो इस तरह के देखे, ये शेफोनी के अंदर और वैरायटी में जो चलता है वो रेशम कढ़ाई चलती है, इस टाइप की जो कढ़ाई है रेशम कढ़ाई चलती है। इसके अलावा जो है ये ऑर्गेन्जा पर है, ये ऑर्गेन्जा पे चलते हैं और ये ऑर्गेन्जा टिशू पे है, इस टाइप की ये वैरायटियां यहाँ चलती हैं। आपके पास टिशूज वैरायटी ज़्यादा है? टिशू भी है और शेफून भी है, यानी कि सब है। अच्छा, ओवरऑल ये पूरा आप बता रहे हैं कि सब कुछ इसमें मौजूद है, टिशू और शेफून सब कुछ? जी पूरा, इसमें एक टिशू है, एक शेफून है और एक ऑर्गेन्जा है, ये सारी वैरायटियां चलती हैं यहाँ पे। इसकी स्टार्टिंग प्राइस क्या है? इसके अगर आप हैवी लेंगी, हैवी के प्राइस हैं 6000 बता रहे हैं, 4000 और 4500 में दे देते हैं हम। और ये जो नॉर्मल जो वैरायटियां हैं ये 3000 की, 350 की ये वैरायटी, मतलब रीज़नेबल प्राइसेस में मौजूद है। जी रीज़नेबल प्राइस में मौजूद है और हमारे पास जो है मैक्सिमम से कम जो प्राइस है वो 15 तक के भी अवेलेबल हैं। जैसे पहनावनियों के देने लेने में अगर चाहिए होते हैं तो 15 तक 18 तक की भी वैरायटियां हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, जैसे पहनावियों के लिए इस तरह के सूट चाहिए? पहनावनियों के लिए जो है हमारे पास इस टाइप के होते हैं, ये लाइट वर्किंग में होते हैं, ये सूट लाइट काम के अंदर जो हमारे पास पहनावनियों के होते हैं भी हमारे पास वैरायटी होती है। अगर थोड़ी से हैवी होते हैं तो फिर प्राइस भी थोड़े से अलग हो जाते हैं। अच्छा, हालात के हवाले से कुछ आप बात कर सकते हैं, जैसे आज महंगाई हो गई है, जैसे पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, उसके कितना असर पड़ रहा है मार्केट पे या खरीद? ये मार्केट आपके सामने ही है, वरना हम जो है ना अभी इस वक्त बिल्कुल फ्री बैठे हैं, वरना हम लोग फ्री नहीं होते, हम लोग मसरूफ़ होते हैं। माशाल्लाह काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है और ये हमारा सीज़न है, लेकिन आप ये कंडीशन देख लें, कंडीशन जो है ना ये कारोबार वाली कंडीशन नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है ना तो कस्टमर जो है ना ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं। जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ना कस्टमर वो लोग वो ख़रीद रहे हैं, कपड़ों को जो है ना वो इतना वो नहीं कर रहे, तो महंगाई की वजह से काम जो है ना थोड़ा सा आपके सामने ही है कंडीशन, वरना ये काम के दिन है हमारे। तो इस हवाले से कोई कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे कि इस पर क्या होना चाहिए, मतलब महंगाई? देखिए अगर महंगाई कम होगी तो फिर ये है कि फिर खर्चे भी फिर इंसान करते हुए घबराएगा नहीं। अभी महंगाई इतनी है तो हर बंदा जो है ना खर्चे करते हुए घबरा रहा है, तो ये मसला है। महंगाई की वजह से कारोबार जो है ना स्लो हो गया, बहुत स्लो हो गया, बहुत फर्क आ गया कारोबार के अंदर। दुआ करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह से कि अल्लाह ताला बेहतर मामलात करें और महंगाई पे भी कंट्रोल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कुछ हवाले से आप थोड़ा जल्दी में लग रहे हैं तो हम थोड़ी सी बात कर लेंगे, आप बताएं कुछ कि आजकल महंगाई की वजह से हालात पर कितना और दुकानों पर कितना असर पड़ रहा है कारोबार? कारोबार पर तो बहुत असर पड़ रहा है, महंगाई इस कदर हो गई है, हर बंदा परेशान है, रोजी रोजगार नहीं है, काम नहीं है, पेट्रोल महंगा, ये महंगा, वो महंगा, खाना पीना मुश्किल हो गया इस टाइम लोगों का, ऐसे हालात हुए हैं। दिन ब दिन महंगाई जो बढ़ती जा रही है इससे बहुत 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 ज़्यादा ज़िंदगी मुश्किल तरीन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। बिल्कुल देख रही मार्केटों का हाल, देख रही आप मार्केटों में ये हाल है कि सन्नाटे पड़े हैं, दुकानदार बैठे हैं, बिस्मिल्लाह नहीं हो रही है, कारीगरों को देना लेना मुश्किल हो गया है, सारे मामला खराब हो गए। इस हवाले से मैसेज देना चाहेंगे कि इसमें किस तरह से चेंजिंग होनी चाहिए और जल्द अज जल्द इसमें क्या अमल होना चाहिए कि जो सबके लिए बेहतर हो? इसमें अब क्या करें, आवाम को मिलना चाहिए, आवाम को निकलना चाहिए, पाकिस्तान के लिए निकलना चाहिए, और ऐसे ही लटके रहेंगे, चुप रहेंगे तो ये हमारे सर पे ऐसी मुसल्लत होते रहेंगे। एक दूसरे पर डालने से बेहतर है इल्ज़ाम कि आप मुत्तहिद होकर सब चाहिए, आवाम को निकले, आवाम एक दिन निकले पूरा पाकिस्तान की और साबित करके दिखाए गवर्नमेंट को कि देखो आवाम खड़ी है, कुछ होना चाहिए, वरना ऐसी अगर रहा तो यकीन करें एक दिन पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। आप तो नेक नियति आपकी क्या है, क्या दुआ देना चाहेंगे? हालात भी चाहेंगे कि अल्लाह पाक इस पाकिस्तान में खैर कर दे, करम कर दे, कुछ खास कोई ऐसा नेक इंसान आ जाए कि उस मुल्क में अमन हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।